अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैटवेट प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। म्यूजिक। एक लड़की थी अनजानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, उसी लड़के से पढ़ती थी। लड़का मोहब्बत करता था किसी और से, जा मिला उसके शौहर से। सुनो मेरी बात अब गौर से, छीन लिया है इन सब का चैन सुख। तो आज हमारे साथ है मसूद बुखारी और उनके साथ है नैन सुख। कैसा सर, क्या शायरी की यार, मजा आ गया। क्या हाल है आप दोनों के? बहुत अच्छे। इसको देख के बुरे हो गए, बुरे कर रहा है। जुल्म हुई है, ये तो इंतहा का जुल्म। तो क्या चल रहा है भाइयों? सर जिंदगी अच्छी चल रही है, पर थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले खराब हुई थी। अच्छा, तो जिंदगी अच्छी चल रही है। अच्छा, नफरतें हैं, नफरतें सर स्टूडेंट्स, आपको पता है आजकल किस तरह बदतमीज। हाँ। और ये तो है। अच्छा स्टूडेंट्स, पे एक बात याद है, एक सवाल है नैन सुख के लिए। टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटॉप्स इज यूज्ड? नंबर 1 आयोडीन 131, क्रोमियम 51, कोबाल्ट 60। जवाब दीजिए। दो बेटा। सर आपने पढ़ाया? मैं मैथ पढ़ा तो इंसान की बच्ची बनो, जवाब दो। अच्छा भाई, तुम्हारे लिए अभी मैं ये करता हूँ कि तुम ताकि सेट हो जाओ बिल्कुल। तो इससे ये सवाल पूछ लेता हूँ भाई, मुझे बताओ कि एक ट्रांसजेंडर के कैरेक्टर जो तुम्हें ऑफर हुआ था, अरे भाई जद्दोजहद थी। अरे भाई साहब, ये कहाँ कहाँ खुल रही हैं बातें, क्या क्या बातें खुल रही हैं। एक करेक्टर ऑफर हुआ था कुछ टाइम पहले, लाइक 2021 के एंड में। मैंने कहा था ठीक है मैं कर लूंगा, क्योंकि करेक्टर ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस टाइप के करेक्टर्स किए हैं। अब वो होता है ना, एक थिएटर का बंदा होता है या कुछ थिएटर से इंस्पायर्ड होता है, तो वो करेक्टर ऑब्जर्व करने के लिए करेक्टर के अंदर घुसता है। तो तुम्हें कुछ नहीं किया जरूरत, तुम तो चलो। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, नहीं बताओ। हाँ मैं तो देखता रहता हूँ, तो मुझे घुसने की जरूरत नहीं थी ऐसा। मतलब कुछ फौरन पकड़ोगे ना यार एक चीज को, मतलब मैं ये कह रहा हूँ यही वाली बात। अच्छा जी नैन, आपके लिए सवाल है, बोल के जो आपने शो किए हैं, तो आपने फैसल कुरैशी के साथ भी किए हैं, और वो क्या नाम है उनका, साहिल लोधी, उनके साथ भी किए। तो दोनों में एक फेवरेट कौन है? साहिल लोधी अब बहुत अच्छे लगते थे इनको, ये इन्होंने साइड पे बताई भी थी बात, इनका क्रश था एक टाइम पे उनपे, अभी तो ये खैर बोलेंगे नहीं। मेरा कोई फेवरेट एसेस नहीं है, लेकिन मैंने जो है वो दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे फैसल कुरैशी सर है, उनसे जो है वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। साहिल लोधी सर है जो है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो कोई ऐसा फेवरेट नहीं है। इवन कि अगर मैं दानिश तैमूर, फैसल कुरैशी और साहिल लोधी का भी कहूँ, तो तीनों की मैं उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे लिए कोई एक फेवरेट नहीं है, तीनों सीनियर है। अच्छा नैन सुख, आप सेट पर सोती क्यों रहती थी भाई? मुझे समझ में आया जिस दिन सीन आपका नहीं है अभी, कि यार अभी 2 घंटे का गैप है, तो आप सो गई बड़ी। ये आपको किसने बताया? बहुत अंदर के लोगों ने, बहुत अंदर के लोगों ने। हर वक्त तो सोती रहती थी, वक्त सोती है हर वक्त, पूरा दिन सोई है। आप चलिए ये कहा है कि मैं वो खाती रहती थी, तो मैं मानूंगी, लेकिन सोई मैं एक दफा खाने की बात नहीं हूँ। हमसे डिलीजिया खाती थी पूरे सेट पे बैठ के, डेली उसको डिलीजिया चाहिए था। देखो झूठ कह रहा है, पेमेंट मैं कर रही हूँ, लेकर ये आ रहा तो क्रेडिट इसका जा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात। लेके मैं आया, फ्यूल लगा, मेहनत लगी, मेहनत लगी, डिसाइड करने में लगा कि कौन सा लेना है। डिसाइड तो मैंने करके भेजा था सर। तो बाकी सोती नहीं थी या? नहीं मैं ये गलत नहीं हूँ, ये बहुत गलत बात कर रही है, मैं आपको बताता हूँ, ये बताएगा सच्चाई बताएगा ये लड़का। मैं बैठती थी आंखें बंद, मेरा बस क्या होता है झूठी। मेरा लास्ट डे था, मेरा लास्ट डे था मायरी के सेट का। तो अब सीन ऐसा हुआ कि मैंने एक शॉट दिया सुबह में, अब बीच में मेरा 4-5 घंटे का गैप था। सही है, इन्होंने मेरे से पहले शॉट दिया और ये सो गई, उसके बाद ये उठी है मगरिब। आपकी भी सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, अदालत इंसाफ करेगी जी। ये उठी है मगरिब में और कहती है मुझे भूख लगी। तुम कमरे में नहीं आई थी? कमरे में वो ऐना ऐना वाला रूम जो है, भूख किस चीज की थी जो कमरे में चली गई? मतलब तुमने रखा हुआ था ना वहाँ पे डिजीजिया लेके, यार मतलब सही है, बात तो सही कर रही है, मैं मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था। सही है, फिर क्या हुआ? तो उसमें लेटा हुआ, तो उसका मतलब सो रहा है। अजीब बात कर रहे हो, चलो बात, मतलब आप जहाँ पे काम करने जा रही है वहाँ पे लेट गए। क्या करूँ, इतना ज्यादा ब्रेक होता है, एक सीन सुबह हो रहा है तो एक सीन रात में हो रहा है, बंदा क्या करे। सिस्टम की दुनिया है बड़ी। हाँ, बहुत ज्यादा जोर, मैं इतना आसान नहीं है भाई बैठ काम। सही है। अब भाई आपके लिए एक सवाल ये है कि पता ये चला है खुफिया लोगों से
कि आप सेट पे जिस दिन सीन होता था उस दिन तो जाते थे जल्दी चले जाते थे, और जिस दिन नहीं है आपका सीन काम ही नहीं है उस दिन भी पहुंच जाते थे। मतलब इतने बारीक खुल के सर, ये देख रहे हैं आप, दुश्मनी है ना, दुश्मनी है, अच्छा नहीं पढ़ाया ना मैंने, फेल हो गई। देखिए सीन ऐसा था कि मीसम भाई, मीसम सर जो डायरेक्टर है इस ड्रामे के, मैं क्योंकि ऑब्वियसली इन फ्यूचर मेरे प्लान्स कुछ इसी तरह के हैं, मैंने डायरेक्शन में जाने, तो मीसम भाई से बैठ के मैं सीखता था बहुत सारी चीजें। अच्छी बात। तो मैं ये देख रहा होता था कि लाइट्स किस तरह दी, क्योंकि एक मून लाइट बनाई होती थी, फिर उन्होंने एक स्ट्रीट लाइट बनाई होती थी, फिर मैंने उनसे एक बड़ी मज़ेदार चीज़ जो है वो सीखी, वो ये थी कि आपने फाखर के रूम के अंदर एक एसी लगा हुआ है जिसके पाइप्स बाहर आ रहे हैं, तो नॉर्मली घरों में इसी तरह होता है। मैंने कहा मीसम भाई इसको कवर क्यों नहीं किया? कहते हैं क्या ये नॉर्मल घरों में इस तरह होता नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो कहते हैं इसको नेचुरल लगा दे, तो क्यों हम लोग इतना करते हैं आर्टिफिशियल बनाते हैं चीज़ों को इस तरह से? तो वो छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए वहाँ से ज्यादा था। नहीं वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि अगर सीखने की जस्तुजू है तो फिर ये आता था। एक होता है कि बंदा मीसम भाई सेट पे है तो जब जा रहा है, लेकिन एक सेट पे मीसम भाई है और दूसरे सेट पे नहीं है, लेकिन आप दूसरे सेट पे घूमते हुए आ जाओ डोलते हुए, इन जाते किसके लिए? थोड़ा सा किसके लिए जा रहे हो तुम? मेरा जो है वो चल रहा था अलग, एक जो है वो क्या बोलते हैं दो जो चल रहा है, डबल शूज, डबल रुको 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 आ रहा हूं आ रहा हूं। मीसम भाई जो है वो मेन लोकेशन पे थे, मैं अपने घर वाली लोकेशन पे थी, तो मैं पहले मीसम भाई के पास होके आया, लेकिन फिर किधर गई लोकेशन पे भी आया। चेन किधर गई? चेन मैंने आपको दिखाई ना? हां चेन दिखाई थी यार। मसूद मुझे वो चेन चाहिए यार, वो मुझे प्लीज लाके दे दो यार। मसूद अच्छा अच्छा मसूद तुमने डिलीजिया नहीं खिलाया था पिछले शूट पे यार? डिलीजिया में लेकर आया था। अच्छा यार अच्छा 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 एक सीन है, रात में प्लान बनाने घूमने फिरने के लिए, पुलिस बुला बाहर घूमने फिरने के लिए जा रहा है, तो आजो साथ चलते हैं सारे दोस्त मिलके। मैंने कहा ठीक है। तो वो सेट पे जिस दिन मैं आया था उस दिन आपने क्या मंगवाया था? कुछ खाने के लिए मंगवाया था? कुछ भी नहीं लेकर, कुछ भी नहीं लेके, इससे कुछ मंगवाया था, मैं वो खाने के लिए लेके गया, इसके लिए वो चेन लेके गया। सही है। मैंने कहा आप ये चेन पकड़े, खाने के लिए नहीं लेके आए थे आप, याद करें आपने कहा कि मुझे देर हो रही है, इतनी भूखा है, इतना खाती है फिर भी उसका पेट नहीं भरता। मुझे बताओ भाई जिंदगी में कभी कटा है बहुत बुरी तरह, मतलब किसी लड़की ने मुंह ही नहीं लगाया होगा? मैं खूबसूरत ही नहीं हूँ ना, मैं बाल थोड़ी ऐसे रख के घूमता हूँ। इट मींस कि मैं खूबसूरत हूँ। हाँ। मैंने तारीफ भी की है, अब तुम गलत समझ रहे हो, तो मेरा क्या जा रहा है? मैंने भी यही कहा ना कि मैं थोड़ी लेंस लगा के घूमता हूँ लोग मुझे। अच्छा, तुम दोनों इतना लड़ते हो, अगर कभी कोई कैरेक्टर ऐसा मिल गया तुम दोनों को कि बड़ी कोई मोहब्बत करनी है आपस में एक दूसरे से? मैं एक विश जिनी से पूरी करवाना चाहूंगा, इसके बाल नोचने हैं मुझे। तो वो तो तुम ऐसे नोच लो डायरेक्ट, इजाजत है? हाँ हाँ नहीं अभी नहीं। अच्छा अच्छा अभी इसके बाद सीन की बात। अच्छा भाई ये बताओ कि फाखिर ने जो कैरेक्टर किया है, सही है, अगर वो कैरेक्टर आपको ऑफर होता तो क्या कर? बर्बाद। सही कह रही हो, मायर कह रही है, सही कह रही है, बर्बाद। बिकॉज आई थिंक जो फाखर का कैरेक्टर है ना, वो शायद लिखा ही समर के लिए गया, वो समर के अलावा कोई नहीं कर सकता था। बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, मैं नहीं कह रहा लोग गलत बुरा काम करते हैं या कुछ भी इस तरह, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर उस कैरेक्टर को देखा जाए और फाखर ने जिस तरह का काम किया है ना उसमें, तो ऐसा लगता है वो कैरेक्टर लिखा ही समर के ऊपर गया, उसी की जिंदगी पे लिखा। समर ने बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत अच्छा काम किया, सही है। और अगर आपको ऐसा कैरेक्टर है, बर्बाद। देख मैं एमएन जी कैरेक्टर से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, ऐना का जो कैरेक्टर था वो ऐना मेरी बिल्कुल सीनियर है, मैंने उससे इतना सीखा है कि इंदर जब वो कबूले वाला सीन हो रहा था और उसने उस मोमेंट पे बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट उसके आंसू निकले, वो सब मैंने उससे बहुत सीखा है। तो मैं वो कैरेक्टर डायरेक्ट कर ही नहीं सकती कि मेरा पहला कदम है इंडस्ट्री में ड्रामा के लिए, तो मुझे इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती है, मेरा फर्स्ट इसके साथ सीन था। और मैं इतनी कंफ्यूज थी कि मैं लाइन से भूली जा रही थी, मैंने पहली लाइन ही चार दफा मैं भूली हूँ। एमन मोहब्बत कर रही है हमजा से, हमजा मोहब्बत कर रहा है एनी से, फाखिर मोहब्बत कर रहा है आमना से, आमना मोहब्बत कर रही है फाखिर से, चल क्या रहा है, यूं कहां जा रही है हमारी? सर जो साफ सीधी बात है, आजकल की जनरेशन में ना अगर देखा भी जाए तो जितने भी बच्चे हैं ना, वो सारे उनके दिल में ना एक पटाखा फूटता है कहीं ना कहीं जाके, जहाँ वो प्यार करते हैं किसी ना किसी को, कोई ना कोई पसंद आ जाता है, ऑब्सेशन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो वो वाली चीज तो होती है आजकल के दौर में हर बंदे के साथ, आपके साथ भी हुआ होगा, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है आपकी बहुत। तो अच्छा भाई ये बताएं कि मसूद भाई आपको जो कैरेक्टर पहले मायरी के लिए ऑफर हो रहा था वो अहमद क्या हो रहा था? सीन ऐसा था कि मुझे अहमद के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन मैंने दिए थे, ऑडिशन बहुत गंदे गए थे, बहुत खराब। तो मीसम भाई वहीं पे खड़े होकर ऑडिशन देख रहे थे, मीसम भाई ने कहा था ओके बता देंगे, उस वक्त मैं कह रहा था कॉल सेंटर में काम, नाइट जॉब। तो मीसम भाई ने कहा जॉब का क्या करोगे? मैंने कहा छोड़ दूंगा, जाहिर है यही ऑप्शन है। तो मैं तो बड़ा खुश था कि 15 दिन का काम मिला है, कैरेक्टर मिला है अहमद का, तो करेंगे काम। जैन ने बुलाया मुझे सेट पे, उन्होंने कहा मीसम भाई ने मिलना है, मैंने कहा सही है। मैं पहुंचा सेट पे, मीसम भाई ने कहा मैं तुम्हारा कैरेक्टर कर रहा हूँ चेंज, सही है।
तो वो हो गया था मेरा कि यार अच्छा खासा काम मिला था, 10-15 दिन का हो गया, खड्डे में हो गया। हाँ, लेकिन उससे अच्छा मिल गया, उससे अच्छा मिल गया। ओके, अगले सवाल पर जाते हैं। अगर एक दिन के लिए मिस्टर इंडिया वाली वॉच मिल जाए सर, तो बचपन का ख्वाब, बचपन का, बाथरूम में घुसने के अलावा क्या करोगे? यार मुझे कोई अच्छा लफ्ज नहीं मिल रहा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। रेस्टोरेंट में जाके चुप चुप के खाने खाऊंगी मजे। अच्छा, खाने का शौक है? मैं खाने का शौक नहीं, ये आपकी पॉडकास्ट से बताना चाह रही है कि पीआर आए कोई खाने की। अच्छा, आप समझे बात को, ये वो वाली सीन है। तो देख, अच्छा तो मैं करूंगा यार, कोई ना कोई मैं मस्ती करूँ। अच्छा, फन फन टाइप। हाँ, चीज करूंगा कुछ ना कुछ, किसी बाइक लेके भाग, किसी बाइक लेके भाग के, किसी पार्टनर बिजनेस मान, बताओ ना चोर इस्लामाबाद। तुम्हारा ड्रामे में, ड्रामे में तुम्हारा दिल भी तो चुरा लिया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, वो दिल से निकली ना, इसकी भड़ास निकली। इसने बोला कि भाई मैं खाना खाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगी। नहीं, मैं क्या करूंगी, मुझे कोई खाने अल्लाह सर, वो नहीं होता, वो नहीं होता। कोई कोई चाचू बैठा हुआ है गंजा सा टपली बजा के अपाग, वो मजे का होता। अच्छा जी, अब ये बताएं कि मसूद एक दिन के लिए जिन बन गया, मसूद एक दिन के लिए, हाँ मसूद एक दिन अलादीन, हाँ अलादीन का चराग बन गया मसूद एक दिन के लिए जिन बन गया, तो मुझे बताएं कि कौन सी तीन विशेष है जो आप पूरी करवाएंगी? सबसे पहले मैं गंजा कर पाऊंगी मसूद को। मेरे बालों का शशका है ना यार। अच्छा, मैं गंजे होगी भी ना बहुत खूबसूरत लगूंगा। उतारो क्या अच्छा, दूसरी विश, दूसरी विश मैं चाहूंगी कि मसूद से मैं क्या करवा सकती हूँ, किसी काम का नहीं है, बस ये बोलूं कुछ खाने के लिए ला दे भाई, और लाते रहना इंसान के अंदर। अभी भी बोला जिन बनाए तब भी नहीं। अच्छा, लाइफ का गोल क्या है आप दोनों को, पहले आप बताएं जवाब। यार ऐसा तो कोई इस तरह गोल्स होते नहीं है, आपके छोटे छोटे गोल्स होते हैं जो कि आप कंप्लीट करते जाते हैं, क्योंकि गोल्स हमेशा बढ़ते जाते हैं। हाँ, हमेशा बढ़ते जाते। आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो, आप बोलोगे यार और चाहिए मुझे, इससे हाँ, बेहतर चाहिए। हाँ, तो फिलहाल तो ये है कि नेटफ्लिक्स की सीरीज करनी है मोस्ट प्रोबेबली। अरे माशाल्लाह, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अभी तो फिलहाल के ये गोल है। गुड, मैंने बताया तो मुझे अच्छी बीवी बनना है और एक अच्छी बहू बनना है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। एक्ट्रेस तो बन चुकी हूँ, बस आगे इससे प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छे करने हैं, और एक तो ये तो वैसे भी है ही, और हाँ, एक साइड में है कि एक अच्छी बहू अच्छी बीवी। सही, क्या फिर मम्मा से बात की? इससे नहीं करनी है मुझे, नहीं नहीं लगता है मुझे। ये क्या, मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। हम जिसको प्यार करते हैं ना उसको पता है हम करते हैं, बाकी लोगों के लिए जहर ही सही है। अच्छा भाई, तुझको चाट के मर जाओ। अच्छा ये है कि बेहतरीन बेहतरीन दे दिया। अच्छा भाई, अगला सवाल पे चलते हैं। डेट पे जाने का अगर आपको मौका मिले किसी के साथ नैनसुख, तो किसके साथ जाएंगी? दो लोग हैं, इन दोनों में से नाम बताना, मसूद के साथ या समर के साथ? समर, मैं जवाब देता हूं। डेट पे जाऊंगी क्यों, मैं समर के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि समर से मेरी जो केमिस्ट्री है वो इतनी कोई खास है, लेकिन हाँ मसूद के साथ मेरी एक अच्छी दोस्ती है। हम लोग एक दूसरे को रोज करते हैं, लेकिन हम दोनों जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो एक तरह से ये मैं मसूद के साथ। आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करना जरूरी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह, शो बन जाता। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं मसूद, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी अभी? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्लॉगिंग भी फिर एक्टिंग भी, कोई फील्ड ऐसी बची है जिसको हम बर्बाद नहीं करना चाह रहे? बची है दो तीन, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं उनको भी बर्बाद करूँ। गुड, अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हर फील्ड में अच्छे ही बंदे हो। हाँ, कहीं तो क्रिंज भी आना चाहिए थोड़ा। चाहिए अब यार, इसको देखो ये बड़े मजे ना, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो आप सॉरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था। ऊपर लिया भी नहीं, पूरा तो पूरा तुम्हारे ऊपर, लेना भी मत। क्या बात हो रही है ये? अच्छा भाई, ड्रामे में नैनसुख आप इनको देख रही है, किताबों को नहीं देख रही है, तो क्या क्या मसला है, इतनी मोहब्बत कैसे हो गई एक सर से? बस एक होता है ना, देखते के साथ ही मोहब्बत हो जाना, पहली नजर वाली। हाँ, पहली नजर वाली वन साइडेड, तो वो वाली मोहब्बत हो गई है और बेइंतहा हो गई। लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ है, इनको फटाफट आके थक गए, लेकिन ये उनके पीछे पड़े जब ऑलरेडी एक बच्चे की माँ बन चुकी है। Sad life. ऐसे ही होता है इन जैसे सर, मोहब्बत तो फिर ऐसे तो नहीं होती ना, वो तो दिल से होती है, वो किसी से भी हो सकती है। उसको भी दिल चाहिए, थोड़ी देर से पड़ी है, उनको भी दिल से ही। बच्चे का सवाल है, बड़े मासूम सा बच्चा है, उसका सवाल ये है कि भाई एक भूत बंगले में छुप गए, फंस गए, सही है, तो अब वहां मिल गया, सही है, भूत से क्या करेंगे, मतलब एक चुड़ैल मिल गई आपके लिए, तो चुड़ैल है, एक चुड़ैल मिल गई वहाँ पे, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, मतलब उसको पटाएंगे, मोहब्बत करेंगे, या क्या करेंगे उससे बच के भागेंगे, क्या करेंगे? अगर इस तरह हो सकता है तो बेहतरीन हो जाएगा यार, बंदा पटा ही नहीं, अपनी जान तो बचाए,
चुड़ैल के पांव उल्टे होते तो अजीब हो जाएगा माहौल। ओ नैन सुख के साथ घूमता हूँ। चुड़ैल कहती है अपने इनडायरेक्टली तुम्हें। मैंने नहीं बोला। हाँ मैंने नहीं बोला। आपने बोला। हाँ मैंने बोला। मैंने नहीं बोला। ओके अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं रैपिड फायर पे। ओके सही है। नंबर वन एक्टिंग या व्लॉगिंग? एक्टिंग छोड़ दे। अच्छा जी, चार्मिंग या फिलोसफर? फिलोसफर सही है। पेन या ए सी? ए सी। ए सी की तेसी। अच्छा जी, टी शर्ट या पैंट? टी शर्ट। सही है। अच्छा जी, जीने के लिए क्या चीज जरूरी है? होप। बॉल या बैट? बैट। नहीं है क्या? अच्छा जी, शादी या रिलेशनशिप? लिविंग रिलेशनशिप। शादी। मुझे तंग मत करो, काम पर जाना है, या सब छोड़ दो मुझे प्यार निभाना? सब छोड़ दो मुझे प्यार निभाना है। अम्मी ऐना जैसे कोई नहीं, या मेरी अम्मी जैसा कोई? मेरी अम्मी जैसा कोई। ये मुझे पता था, इसका तो पक्का यही है। अच्छा जी, पोलाइट या वाइल्ड? वाइल्ड। ओके, नैनसुक के लिए रैपिड आंसर जो है, नंबर वन है हाइट, छोटी या लंबी? छोटी। अच्छा, साड़ी या कमी शलवार? साड़ी। साड़ी बहुत पसंद है। बहुत पसंद। सही है। मेकअप या नो मेकअप? नो मेकअप। अर्ली मैरिज या लिविंग? अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज। वाह वाह वाह। पान या गुटखा? मैं पान, मीठा वाला। दो जरूर आ जा रही, बारीक छालियाँ क्रीम कराएंगे। तुम खाओगे? नहीं, दो ही आओ। अच्छा जी, भाई पापा की प्रिंसेस या घर की डॉन? घर की डॉन। करेक्टर कौन सा, एनी या एमन? एमन। टिकटॉक या इंस्टाग्राम? टिकटॉक। टिकटॉक। गेम शो पाकिस्तानी या खुश रहो पाकिस्तान? गेम शो पाकिस्तानी। अच्छा, नाइट आउट पार्टी या अर्ली स्लीप? नाइट आउट पार्टी। हाँ हाँ हाँ, पार्टी ही। वाह 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 वाह, बड़े मज़ेदार जवाब दिया आप लोगों ने, बच बचा के। अच्छा जी, बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ, बहुत अच्छा लगा। और इख्तिताम की तरफ जाते हैं, और इख्तिताम हम करेंगे आपके रैप से। आपने बताया कि आपने लिखा है खुद। अच्छा, ये कप्तान बन गया। सब सब बन गया लोग। अच्छी चीज़, आपको रास नहीं आएगी ना? सबको राज नहीं है ना, बहुत ज्यादा ही अच्छी है। क्यों इतनी बेस्ती हो रही है? पता नहीं यार, किस्मत में लिखा है। हाँ जी, तो भाई ये 2021 में एक शो के लिए लिखा गया था ये गाना। तो ये कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है कि ये वक्त है आज़ादी, आज भूल अपना माजी, और चूम इस परचम को खुदा भी इसमें राजी, ये जीती हुई बाजी 47-21, आज फिर मेरी आज़ादी। वाह। एक बाल का वो ख्वाब और कायद का जुनून, मिली है यूँ आज़ादी जब बहा इतना खून, सफ़ेद से सब तक सारे रंग ही हैं अपने, मुहाजिर से पठान सारे भाई हैं सब अपने हैं, आँखों में जज्बा भरा हुआ है जीत का, नन्नी आँखों में अब भी इकबाल वाले सपने, तौहीद का वो नारा उम्मीद का है परचम, पाक है फिजा मेरी गूंजेगी ये धड़कन, रौनक है बाजारों में हाथों में है छनछन, रब के सहारे चलेंगे हम मिलकर। वाह 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 वाह, अरे तालियां बजाएं। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ये सुन लिया आप लोगों ने, बहुत मजा आया इनके साथ, और बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे बहुत सारी जगहों पे, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का भाई आने का। थैंक यू, थैंक यू आने के लिए, बड़ा मजा आया आपके साथ। झूठ कह रहे हैं? हाँ झूठ तो कह रहा हूँ, बड़ा मजा आया आपके साथ। आपने पहले क्या उन्हीं के साथ कहा था, मेरे साथ नहीं कहा था यार। खत्म कर दो, खत्म कर दो। अच्छा अच्छा भाई, मैं चलता हूँ।